हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट आज 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th बायोलॉजी का एक वायरल पेपर। अगर आज आप जा रहे हैं 12th बायो का पेपर देने, तो दोपहर तक इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि ये 12th बायोलॉजी का एक वायरल पेपर है और आज 29 फरवरी को 12th बायोलॉजी का पेपर ऐसा ही आएगा। देखिए, इधर साइड में पेपर कोड आपका लिखा हुआ है, इस साइड में अनुक्रमांक आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। देखिए 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। ये सब तो सिंपल चीजें हैं जो आपको पता ही है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले निर्देश हमारा रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जहां आपको चित्र बनाना हो वहां पे फिगर बनाइए, क्योंकि ये बायोलॉजी है, इसमें आपको फिगर बनाने को दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जितने अंक का है वो उसके सामने दिया गया है। ये तो था कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भैया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुल 4 क्वेश्चन रहेगा और आपको टोटल इसके लिए 4 नंबर मिलेगा भी, ठीक है। 4 क्वेश्चन 4 नंबर, देखो ध्यान से समझना, पूरे पेपर को खूब अच्छे से देखना बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और मैं इस पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा आपको, सॉल्व भी मैं लेकर आया हूं। देखिए नीचे यहां पर सॉल्यूशन भी है, ये देखिए, ये सब सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा वैसा क्लास ये नहीं है, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, साल्विया में परागण होता है। देखिए, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि साल्विया में परागण कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, देखिए ऑप्शन नंबर का है, फर्स्ट है जल द्वारा, सेकंड है वायु द्वारा, थर्ड है कीट द्वारा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, जो साल्विया होता है इसमें परागण कीटों द्वारा होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखिए मैं टिक कर रहा हूं, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। साल्विया में जो पॉलिनेशन होता है, जो परागण की प्रक्रिया होती है, वो कीट के द्वारा होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, खा वाला, वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय मत किसने प्रस्तुत किया, मतलब वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय मत किसने दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सटन एवं बोवेरी, सेकंड है मॉर्गन एवं स्टूवेंट, थर्ड है मेंडल, फोर्थ है वाल्डेयर। तो भैया इसको सटन एवं बोवेरी जी ने दिया था, वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय मत, ठीक है, ये सटन एवं बोवेरी ने दिया था, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गा वाला क्या है, सेंट्रल डोगमा के उत्क्रमण के प्रतिपादक हैं, मतलब सेंट्रल डोगमा के उत्क्रमण के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है टेमिन व बाल्टीमोर, सेकंड है मुल्डर, थर्ड है बेरी कोमेनर, फोर्थ है वाटसन व क्रिक। तो भैया इसका राइट आंसर होगा टेमिन व बाल्टीमोर। देखिए नाम कैसा है, ठीक है, टेमिन व बाल्टीमोर जो है ये सेंट्रल डोगमा के उत्क्रमण के प्रतिपादक हैं, ठीक है। घा वाला क्वेश्चन देखो, कवक एस्परजिलस नाइजर किस एंजाइम के संश्लेषण में संलग्न है, मतलब जो कवक होता है एस्परजिलस नाइगर, ठीक है, ये किस एंजाइम के संश्लेषण में संलग्न है। फर्स्ट है प्रोटीएज, सेकंड है लाइपेज, थर्ड है पैक्टिनेज, फोर्थ है कैटालेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, पैक्टिनेज, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आप लोग टिक कीजिएगा, ऐसे लिखना है वैसे आपको जाके। तो जो कवक है एस्परजिलस नाइगर, ये जो है पैक्टिनेज एंजाइम के संश्लेषण में संलग्न है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन शायद सही होगा, यानी कि यहां पे सेकंड दिया गया है, लेकिन वैसे जो यहां पे ऑप्शन राइट होगा वो थर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइएगा, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप इसका सही आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्नों पे हम लोग आते हैं, ये एक एक नंबर का हमारे एग्जाम में आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, उसका आपको आंसर देना होता है। देखो सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 5 नंबर दिया जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा आंसर लिखना है, ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न इसका नाम है। आप 2023 अगर बायोलॉजी का पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आएगा, पहले बहुविकल्पीय, फिर निश्चित उत्तरीय, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। देखिए दूसरे का पारितंत्र के 2 घटकों के नाम उदाहरण सहित लिखिए, मतलब जो पारितंत्र के 2 घटक हैं उनके नाम आपको उदाहरण के साथ लिखना है। तो यहां पे मैंने आंसर लिखा है, देखो
निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का आंसर। पारितंत्र के दो घटकों के नाम, सबसे पहला है जैविक घटक, इसका उदाहरण है उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक, ये सब जैविक घटक होते हैं, ठीक है। दूसरा है अजैविक घटक, ये दूसरा प्रकार है, ठीक है, दूसरा घटक, इसका उदाहरण है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि। तो समझ में आया ना, यानी कि पहला जो घटक है पारितंत्र का वो जैविक घटक है, इसका एग्जाम्पल जो हरे पौधे हैं उत्पादक, हरे पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, उपभोक्ता व अपघटक ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। अजैविक घटक में आपका उदाहरण है वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा, ये सब अजैविक घटक होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, ऐसे ध्यान से समझते रहो, पूरा पेपर सॉल्व में कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, परभक्षण क्या होता है, ये भी एक नंबर का रहेगा। देखो ये आधा आधा नंबर लिखा है, इसका मतलब एक नंबर, ठीक है, आधा प्लस आधा इक्वल टू एक। अब ये भी एक नंबर है, परभक्षण क्या होता है, तो देखो इसका भी आंसर बताते हैं। परभक्षण, देखो परभक्षण हेडिंग डालेंगे, खूब प्यारा सा लिखेंगे, परभक्षण एक जैविक अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव परभक्षी दूसरे जीव की हत्या कर उसे खा जाता है। देखिये परभक्षण मतलब ये हो गया परभक्षण, दूसरों का भक्षण करना, ठीक है। तो परभक्षण एक जैविक अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव परभक्षी जो होता है वो दूसरे जीव की हत्या कर उसे खा जाता है। जो खाता है वो परभक्षी होता है क्योंकि वो दूसरों को खाता है, ठीक है। परभक्षण की परभक्षण है तो परभक्षी या तो सक्रिय रूप से शिकार की तलाश करते रहते हैं या छुपकर उनके आने का इंतजार करते हैं, मतलब जिसको खाना होता है जो परभक्षी होते हैं, या तो ये सक्रिय रूप से एक्टिव होकर शिकार की तलाश करेंगे या फिर छुपकर उनके आने का इंतजार करेंगे, ठीक है। जैसे उन्हें शिकार दिखाई देता है वे उस पर हमला कर देते हैं, मतलब परभक्षण का मतलब होता है क्या होगा, देखिए ऊपर सीधा सीधा लिखा गया है, ठीक है। परभक्षण एक जैविक अंतर क्रिया है जिसमें एक जीव परभक्षी दूसरे जीव की हत्या कर उसे खा जाता है। परभक्षण है तो परभक्षी या तो सक्रिय रूप से शिकार की तलाश करते हैं या छुपकर उनके आने का इंतजार करते हैं, ठीक है। जैसे उन्हें शिकार दिखाई देता है वे उस पर हमला कर देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर, देखो किन्हीं दो पादपों के नाम बताइए जिसमें अनुप्रस्थ बीजांड होता है, यानी कि किन्हीं दो ऐसे पौधे का नाम बताओ जिसमें अनुप्रस्थ बीजांड होता है। जब आप बीजांड को पढ़ेंगे चैप्टर वन में तो इसमें कई प्रकार के बीजांड होते हैं, तो दो आपको ऐसे पौधे बताने हैं जिसमें अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है। तो देखो दो नहीं, मैं आपको चार बता दूंगा यहाँ पे, देखो ये गा वाला क्वेश्चन है, गा अनुप्रस्थ बीजांड वाले पादपों के नाम, मैं आपको चार बता रहा हूं, आपको लिखना दो ही है, जितना पूछा जाए उतना लिखो, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि आपको दो तो याद ही रहेगा। देखो फर्स्ट है एलिस्मा, सेकंड है ब्यूटोमस, थर्ड है लेमना और फोर्थ है पोस्त, आदि और भी हैं। ये चार ऐसे पौधे मैंने बता दिया जिसमें अनुप्रस्थ बीजांड पाया जाता है, ठीक है। बीजांड के और भी बहुत सारे प्रकार हैं तो उसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है घा नंबर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, मतलब उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है इस सिद्धांत को किसने दिया, तो एक लाइन का आपको आंसर लिखना है। देखो यहाँ पे घा वाला, उपार्जित लक्षणों, देखो ध्यान से समझना, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था, मतलब उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है इसका सिद्धांत लैमार्क ने दिया, ठीक है। तो ये घा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर, खड़ी फसल क्या है, खड़ी फसल किसे कहते हैं या खड़ी फसल क्या है, इसका भी आंसर देख लो यहाँ पे, खड़ी फसल क्या होता है अंगा नंबर। देखो एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर जैविक सामग्री की मात्रा को खड़ी फसल कहा जाता है, मतलब एक इकोसिस्टम में, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न ट्रॉफिक स्तरों पर जैविक सामग्री की मात्रा को खड़ी फसल हम लोग कहते हैं, ये इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपसे खड़ी फसल पूछा जाए डायरेक्टली बोल दो, ठीक है, हो गया हमारा। देखिए यहाँ पे टोटल पांच क्वेश्चन था, का खा गा घा अंगा, टोटल पांच क्वेश्चन था, एक एक नंबर का हमने कंप्लीट किया, पांच नंबर, ठीक है, सॉरी पांच थोड़ा अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है, हो गया, अच्छे से बाद में लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया हमारा, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है आपको क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो दो नंबर में ये आता है। देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे भी आपके टोटल फाइव क्वेश्चन रहेंगे, दो दो नंबर के, टोटल नंबर आपको दस मिलेगा। देखो सबसे पहला,
का बंध्यता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, बंध्यता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। इनफर्टिलिटी, दो नंबर का ये आता है, इनफर्टिलिटी आपसे पूछा जा रहा है। बंध्यता क्या है, बंध्यता का मतलब समझिए जैसे स्त्रियां होती हैं, कुछ बांझ होती हैं जिनको बच्चे नहीं पैदा होते, कुछ पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर मैंने लिख रखा है, थोड़ा नीचे आएंगे, ये नहीं है, ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग आएंगे। देखो बांझपन या इसी को हम बंध्यता बोलते हैं, देखो क्या होता है, ये बांझपन कहिए या बंध्यता कहिए सेम ही है। विश्व में अनेकों दंपत्ति बंध हैं, बहुत सारे दंपत्ति हैं जो बंध हैं, जिनके संतानें नहीं है, अर्थात छित संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति द्वारा संतान उत्पत्ति नहीं कर पाना बंध्यता या बांझपन कहलाता है। यानी कि सेक्स करने के बावजूद भी, ठीक है, दंपत्ति जो पति पत्नी है उनकी संतान उत्पन्न नहीं होती, संतान वो पैदा नहीं कर पाते, इसको हम बंध्यता या बांझपन कहते हैं। स्त्रियों को बांझ कहा जाता है, ठीक है, जो बच्चे जिनके बच्चे नहीं पैदा होते हैं उनको बांझ बोलते हैं, ठीक है, बंध्यता। आगे देखिए बांझपन की दो श्रेणियां हैं। सबसे पहले देखिए प्रकार, आप लोग जो पूछा गया था प्राथमिक बांझपन, ये क्या होता है भैया, इसको थोड़ा सा जानते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। देखो प्राथमिक बांझपन में विवाह के एक वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है, यहां पर नहीं लिख दीजिएगा, नहीं हो पाती है, ठीक है। तो प्राथमिक बांझपन में क्या होता है, प्राथमिक बांझपन में विवाह के एक वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती है, इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दूसरा द्वितीयक बांझपन, द्वितीयक बांझपन में स्त्री गर्भवती तो हो जाती है परंतु गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती है, बीच में ही गर्भपात हो जाता है। मतलब द्वितीयक बांझपन में क्या होगा, स्त्री जो है वो गर्भवती तो हो जाएगी, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी लेकिन गर्भकाल पूरा नहीं कर पाएगी और बीच में ही गर्भपात हो जाता है पोर्शन, ठीक है। तो ये द्वितीयक बांझपन है। तो समझ में आया बंध्यता क्या होता है, मतलब हमारे विश्व में बहुत सारे दंपत्ति हैं, बहुत सारे पति पत्नी हैं जो संभोग करने के पश्चात भी दंपत्ति या संतानोत्पत्ति नहीं कर पाते, ठीक है, इसी को बंध्यता या बांझपन कहते हैं। बंध्यता स्त्री एवं पुरुष दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है स्त्री में ही हो, पुरुषों में भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि पुरुष उस लायक नहीं होंगे तो भी नहीं बच्चे होंगे। तो प्राथमिक बांझपन में विवाह के एक वर्ष पश्चात भी स्त्री गर्भवती नहीं हो पाती, बीच में नहीं लिख दीजिएगा। और द्वितीयक बांझपन में स्त्री गर्भवती हो जाती है परंतु गर्भकाल पूरा नहीं कर पाती, बीच में ही गर्भपात हो जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा था, इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, दो दो नंबर में ये आएंगे। खा वाला क्वेश्चन देखिए दो नंबर का, पारजीनी जंतु क्या होते हैं भैया, पारजीनी जंतु, चलिए इसको भी जान लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे किसी को, ठीक है। पारजीनी जंतु, इसके नीचे देखिए ये रहा पारजीनी जंतु। देखो पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो पारजीनी जंतु, देखिए ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है पारजीनी जंतु कहलाता है। मतलब ऐसे जंतु पाए जाते हैं, ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब कोई जंतु है उसके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दे और वो अपना लक्षण भी व्यक्त करे, मतलब जीन का काम ही है लक्षण को व्यक्त करना और वो अपना लक्षण भी व्यक्त करे, तो वो पारजीनी जंतु कहलाएंगे। समझ में आया, मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करते हैं पारजीनी जंतु कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, उदाहरण है डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी आदि, ये सब हैं पारजीनी जंतु। डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें, मीरा नामक बकरी, ये सब भैया पारजीनी जंतु हैं, ठीक है। देखो पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता, मतलब आप जैसे गाय है, गाय के अंदर आप किसी दूसरे जानवर का डीएनए जीन व्यवस्थित कर दें तो वो गाय दूसरे जानवर की तरह व्यवहार करने लगे, तो यही भैया पारजीनी जंतु होगा। मतलब सिंपल सा है कि ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि के द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है वो पारजीनी जंतु कहलाता है। उदाहरण है डाली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गाय, मीरा नामक बकरी, ये सब भैया पारजीनी जंतु हैं। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। बस हो गया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर नहीं बताएंगे, वो आपको जानना। देखो
ग वाह भ्रूणीय झिल्ली क्या होती है, इसका क्या महत्व है, ये आप चैप्टर वन भी पढ़ेंगे, दो दो नंबर का है। घ हार्डी वेनबर्ग संतुलन को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, उनके नाम लिखिए। और अंगा जैव विविधता के हास के कोई चार कारण लिखिए। तो ये आपका पांच क्वेश्चन था, दो दो नंबर का, दस नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये अति लघु उत्तरीय खत्म, अब लघु उत्तरीय पे आते हैं। भैया लघु उत्तरीय जो होता है ये 12-12 नंबर करके 3 बार आता है, यानी कि टोटल 36 नंबर की अगर देखा जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन देखो, ये लघु उत्तरीय होगा, काखा गाखा करके चार क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर मिलेगा। देखो जैव भार के पिरामिड का नामांकित चित्र बनाइए, जैव भार का जो पिरामिड होता है उसका नामांकित चित्र बनाना है। ये पारितंत्र चैप्टर में आपके क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, मतलब जो पारिस्थितिक पिरामिड है उसके बारे में जरूर आपको पढ़ के जाना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर। और जो पारिस्थितिक तंत्र के घटक है प्रमुख, उनको भी पढ़ लीजिएगा। खा देखो निम्न पर टिप्पणी कीजिए, ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स, ठीक है, इन पर टिप्पणी लिखना है, 1.5-1.5 नंबर यानी कि 3 नंबर का ये भी रहेगा। गा प्रतिरक्षी क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, 3 नंबर, ठीक है। घा कैंसर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो टोटल आपका भैया 4 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर वाले, 12 नंबर यहाँ पे कंप्लीट। और इसमें देखिए आपको जो पिरामिड है उसको आपको बढ़िया से खूब अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बारे में प्रतिरक्षी कैंसर इन सब के बारे में पढ़कर जाना। पांचवा क्वेश्चन जो होगा ये भी 4 क्वेश्चन, इसमें काखा गाखा रहेंगे, 3-3 नंबर के, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 आएगा। तो खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर एक क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है, किसी जाति को नहीं, स्पष्ट करो। मतलब खाद्य श्रृंखला में जो पोषक स्तर है वो एक क्रियात्मक स्तर को दर्शाता है, किसी जाति को नहीं, इसको स्पष्ट करना है, 3 नंबर, ठीक है। खा देखो जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैल विद्युतकण संचलन क्या है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, 3 नंबर, ठीक है। गा बीजांड द्वारा निभाग तथा बीजांड वृत्त की स्थिति के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण, 3 नंबर। अभी मैंने बीजांड के बारे में बताया था, ठीक है, एक बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड का एग्जाम्पल बताया था। घा प्राथमिक लसिका अंगों पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर, मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का। तो भैया यहाँ पे भी 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 12 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर यहाँ पे भी मिलेगा। देखो अजीवात जीवोत्पत्तिवाद क्या है, किसी एक वैज्ञानिक के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा उसने इसका खंडन किया, 3 नंबर, ठीक है। खा अपघटन क्या है, इसके विभिन्न चरणों की व्याख्या करो, 3 नंबर, ठीक। गा प्राकृतिक चयन की जैव विकास में भूमिका स्पष्ट करो, 3 नंबर। घा गिरफित का प्रयोग क्या है, इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, ये भी 3 नंबर। टोटल यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन और टोटल यहाँ पे 3 नंबर के, 12 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों पे आते हैं। देखो हमारा लघु उत्तरीय जो है भैया वो 35-36 नंबर का आता है, यानी कि 70 में से 36 नंबर का सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न, आधा से ज्यादा नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का होता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से इस पर ध्यान देना है, जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, डोंट अवॉइड, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय पे आते हैं, टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आएंगे, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के। देखो 7 आवर्त चक्र क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करो, 5 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा, मतलब मेस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना, इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं पता अथवा लगा है। देखो शुक्र जनन की चित्र सहित व्याख्या कीजिए, शुक्र जनन, शुक्राणु जनन, मैंने आपको बताया था शुक्राणु जनन अभी जल्दी, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। बस देखिए 8वां पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया व प्रत्येक चरण में प्रयुक्त एंजाइम का वर्णन करो, 5 नंबर, ठीक है, अथवा लगा हुआ है, नहीं पता ये करो। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, विदलन एंजाइम और पीसीआर, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीआर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, जाति उद्वन क्या है, इसके निर्माण की 2 प्रमुख विधियों का वर्णन करो, जाति उद्वन की मुख्य परिस्थितियां भी बताइए, 5 नंबर, ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगा है। जैव विकास के प्रमाणों की व्याख्या कीजिए, देखिए जैव विकास चैप्टर में जो जैव विकास के प्रमाण हैं, ठीक है, उसकी आपको व्याख्या करने को पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 12th बायोलॉजी का पूरा पेपर था, ठीक है। पहले हमारे 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर का था, ठीक है, उसके बाद में हमारा 2-2 नंबर वाला 10 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर 12-12 नंबर के 3 बार लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर हमारा
लॉन्ग क्वेश्चन। टोटल मिलाकर अगर हम लोग मोटी मोटा देखें तो हमारा 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, 5 नंबर का निश्चित उत्तरीय, 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय। टोटल जोड़ो 36, 4, 40, 5, 45 और 15 एक और छूट रहा है देखो, 4 नंबर का बहुविकल्पीय, 5 नंबर का निश्चित उत्तरीय, 10 नंबर का अति लघु उत्तरीय, ठीक है, आप 36 नंबर का लघु उत्तरीय और 15 नंबर का विस्तृत उत्तरीय, टोटल आपका 76 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर आएगा, ऐसा मत समझिएगा कि यही पेपर सेम आ जाए, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। बाकी मैंने और भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रखी है, उनको देख आप क्या देखना, एग्जाम आ चुका है तो आज का क्लास कैसा लगा बोर्ड एग्जाम देने जाने से पहले देख लेना इसको। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।